हाय गाइस, स्वागत है और नए फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का भोंपू तार खेल बना सकते हो, समझे। तो अगर सरल भाषा में कहे तो इसका मतलब है बज वायर गेम। तो इसमें जो शब्द आया है बज, ठीक है, तो ये कोई मधुमक्खी या मक्खी का आवाज नहीं है। बज जो है बजर का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप मिस्टर बीन देखे होंगे तो उसमें भी ये एपिसोड एक था जिसमें मिस्टर बीन जो है सेम गेम खेलते हैं और उसमें जीत जाते हैं, क्योंकि मानते हैं चीटिंग किया था, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। तो आज जो है वही हम लोग बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को देखो एंड तक जरूर देखना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर दो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कर दो। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। तो देखो इस प्रोजेक्ट को जो जो चीज रिक्वायर्ड है बनाने के लिए वो है सबसे पहले मेरी वैलेंटाइन जिसका नाम है आर्डुइनो मेगा, जस्ट जोकिंग, इट्स आर्डुइनो मेगा। और साथ में आपको चाहिए होगा बज वाला बजर, साथ ही साथ आपको चाहिए होगा कुछ वायर्स, कुछ नहीं मतलब दो तीन ही लेना है, ज्यादा नहीं चाहिए। और ऐसे में अगर आप पूरे YouTube पे सर्च मारोगे ये सब के पे तो बताएगा एल्यूमिनियम वायर यूज करो, ये वायर यूज करो, तो बहुत दिमाग खराब होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एक ऐसा वायर लेने हैं जो कि इजीली अवेलेबल है, वो आपका शोल्डरिंग आयरन का वायर। जी हाँ, मजाक नहीं, सच में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल का। तो देखो बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है ना, देखो कोई एक बेसिक हम लोग सर्किट लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी सर्किट में क्या होता है, जब हम लोग अगर मान लो एक बजर है और एक बैटरी है, ठीक है, और क्या करो ना, बैटरी का एक टर्मिनल मतलब जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव से दो वायर कनेक्टेड है ना, तो मान लो पॉजिटिव वाला तार बीच से काट दो तो क्या होगा, बजर बजेगा नहीं, और उसको जोड़ दोगे तो बज जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, हमने देख के, नहीं होगा तो हम बीच में वापस से अच्छा से पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो फिर देख लेते हैं कोड कनेक्शन ये सब। तो चलो फिर, तो जैसा कि आप सभी जानते हो, देखो सामग्री सामने आ ही चुकी है, कनेक्शन वनेक्शन का बात करना है, ठीक है। तो देखो एक ब्रेडबोर्ड भी आप ले लो तो बढ़िया होगा, ठीक है। मैं ब्रेडबोर्ड में इसको सेटअप करने वाला हूँ, वो चीज़ कहना रह गया था। और एक और बात कहना है कि देखो अगर आपके लोकल में अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, ये है IN4007A, अगर आपको मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं एक LED भी इसमें लगाने वाला हूँ रेड कलर का, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर हम लोग बजर लगा देंगे और थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, मतलब वो टी आवाज करेगा तो फिर कटाई हो सकता है, इसीलिए पहले ही बोल रहा था। तो समझ गए होंगे आधे व्यक्ति। तो शोल्डरिंग वायर है ना, आपको दो ले लेना है, मतलब एक को या फिर आप एक बड़ा सा लेकर उसको बीच से काट भी सकते हो, तो दो इसीलिए लेना है, ठीक है। एक से हम लोग इसका हैंडल बनाएंगे और एक होगा जिससे हम लोग मेज बनाएंगे, और वायर जो है वो कनेक्ट होगा इस, एक वायर जो है कोई भी पिन में आप लगा सकते हो, वहाँ पे आप पिन कॉन्फ़िगरेशन अपने कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पूरा कोड वोड पे समझा भी दूंगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अब हम लोग कनेक्शन करते हैं और पूरा फाइनल कनेक्शन होने के बाद आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखो फाइनल पूरा कनेक्शन हो गया, तो आप सभी को दिख रहा होगा ये है अपना कनेक्शन, ठीक है। तो अब थोड़ा अजीबोगरीब सा दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं सब चीज़ समझा देना चाहता हूँ। ये देखो ये है बजर, ठीक है, ये थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट से निकाला है। फिर एक और चीज़ कहना था, जो आपका हैंडल होगा ना, आपको हैंडल ना आप थोड़ा सा राउंड शेप कर लेना ताकि वो वायर में अच्छा से घुस सके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वैसे ही कर लिया है, देख सकते हो राउंड शेप है पूरा, ठीक है। और एक और बात आप लोग को जो ध्यान रखनी है वो है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर टेपिंग नहीं किया है, आप ना टेपिंग करना मत भूलना, वरना जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोग का बॉडी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं करोगे तो कहानी क्या हो जाएगा कि हमेशा जो है बजर ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो टच हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कुछ या तो हीट सिंक लगा सकते हो, ठीक है, या फिर हीट सिंक वो वाला नहीं जो एल्यूमिनियम का, वो वैसा जो कि सर्किट में हम लोग को देखने को मिलता है, वो वाला जो गोल सा ट्यूब जैसा रहता है उसको गर्म करके वो जो मेल्ट हो जाता है वही वाला, वो वाला आप हीट सिंक यूज़ कर लो, नहीं तो सबसे बेस्ट उपाय आप टेपिंग कर दो इसके ऊपर, ठीक है। और बस यही है, और इसी में जो है हम लोग पूरा पार करेंगे। और मैंने यहाँ पे एक LED भी यूज़ कर दिया है, ठीक है, LED। और एक और इतना और बोल रहे हैं, और हाँ एक और चीज़ मैंने अभी कनेक्शन करना भूल गया था वो चीज़ का, ये जो जहाँ आप लोग डायोड लगाओगे ना, डायोड जहाँ डायोड लगा हुआ है, आप लोग को वहाँ पे ना वायर जो है वहीं से कनेक्ट करना है बोर्ड पे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरा वो है,
तो मैं यहाँ D2 में इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ फिलहाल। वैसे प्रोग्रामिंग में तो मैं सब चीज़ कर दूंगा, ठीक है, मैं आपके लिए एरिया जगह छोड़ दूंगा, वहाँ पे मैं सब चीज़ जैसे कमेंट में हमेशा लगभग लगभग मैंने सारा कोड पे लिख के रखा है कि कौन सा पिन जो चेंज करना रहता है आपको, कौन सा क्या मतलब उस फंक्शन का क्या काम है, मतलब जो मैंने लाइन लिखा है उसका मैंने जनरली मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। बहुत कभी कभार हो जाता है कि मैं नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आलस। खैर तो यही सब हो गया है, ये सब अपना पूरा कनेक्शन वनेक्शन तैयार है, अब बारी है टेस्टिंग की। तो चलो फिर भाई टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट से पहले कोड भी तो है, कोड भी तो देख लो, देखना है कि स्किप कर रहा है। नहीं 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 देख लो देख लो देख लो, वरना बाद में कमेंट करोगे कि क्या कहते हैं कोड नहीं दिखाया भाई साहब, तो वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए कोड भी देख लो। और एक और बात देखो भाई, कनेक्शन हम समझा दिए, कमेंट कोई नहीं करेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा वर्क नहीं कर रहा है, मेरा वर्क नहीं कर रहा है, भाई क्या करे क्या करे। तो भाई तुम लोग पहले कनेक्शन भी ढंग से किया करो, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कनेक्शन ढंग से करते नहीं है और फिर बोलने लग जाते, तो इसीलिए भाई वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ओके तो चलो फिर हम लोग कोड पे बात कर लें, तो लैपटॉप के स्क्रीन पे स्विच हो जाते हैं। सो यार अब हम लोग आ चुके अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, एक मिनट ये थोड़ा मैं साइड रखता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर को, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि मतलब पिछले वीडियोस में कंप्लेन आ रहे थे कि भाई कोड थोड़ा छोटा दिखता है, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो देख सकते हो ये है INT इंटीजर मैंने बनाया वायर का, जिसमें टू बना दिया है कि उसका टू सेकंड पिन पे लगेगा। डिजिटल पिन टू पे LED का 4 बना है, बजर का 3 सेम है। यहाँ पे आप मेरे अगर आप INT के बारे में जानते हो तो वॉइड सेटअप में आपको पता है सब चीज़ सेटअप किया जाता है, ठीक है। नए हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग बेसिकली सेटअप करते हैं, ठीक है, कि कौन सा पिन आउटपुट बनाना है, इनपुट बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो बटन स्टेट को जो हम लोग डिजिटल रीड रखा है, और कोड है कि अगर डेटा हाई होगा तो बजर जल जाएगा और LED भी, ठीक है, एल्स लो रहेगा, ठीक है। और सीरियल डॉट प्रिंट LN मतलब लाइन बाई लाइन प्रिंट होगा, बटन का स्टेट 0 है या 1, और डिले है 1000 सेकेंड का। और एक और बात, हाँ ऐसे में तो एल्स ही रहेगा, ठीक है, अगर डेटा हाई रहेगा। एक्चुअली पहले मैं भूल गया था एल्स वाला पार्ट डालने, फिर बाद में डाला क्योंकि कंटिन्यूस बजर बजते रह रहा था इसीलिए। सो या प्रीटी मच इट, तो ठीक है फिर अब हम लोग फाइनल आउटपुट पर चलते हैं। तो चलो फिर फाइनल आउटपुट देखते हैं।